हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कॉमेडी। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कॉपर के 21 अगस्त फ्यूचर्स यहाँ पर करेंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पर आपको किस तरह का मोमेंटम फेस देखने को मिल सकता है। सो कल की जो हमारे यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन के जो टारगेट्स थे वो यहाँ पर अचीव तो जरूर हो गए, बट उसके बाद एक अच्छा सा यहाँ पर आपको जो अपर मूवमेंट बोलते हैं यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिले। डेट इज अब शॉर्ट पोजिशन के अंदर आपने पैसा कमाया, उसके बाद अब चलिए अब हम पैसा कमाते हैं डेट इज लॉन्ग पोजिशन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ऐसे मोमेंटम के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन के लिए हमें यहाँ पर एमएससीडी ने जरूर टारगेट एंट्री एट द अराउंड 720 और नियरली इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 6 पॉइंट का यहाँ पर हमें बेनिफिट दिया है। और उसमें एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ही देखने को मिला और एक अच्छी खासी आज गैप अप ओपनिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। सो जस्ट एज ऑफ द फैक्ट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो प्राइस लेवल होगा आज के लिए डेट इज लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए, तो सबसे अच्छा जो प्राइस लेवल होगा उसको हम यहाँ पर भी मार्क करते हैं। वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पर तो 726 का जो प्राइस लेवल है, अगर मैं यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन के हिसाब से बात करूँ तो अगर यहाँ पर अगर 726 का प्राइस लेवल अगर डाउन साइड पर अगर ब्रेक करता है तो मतलब से फर्स्ट टारगेट आपका नियरली 724.5 तक का यहाँ पर आपको आराम से अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। और सेकेंड जो लेवल है दैट इज लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज 732 को अगर अच्छे से बुलिश मोमेंटम के साथ अगर क्रॉस करते तभी आपको इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है, अगर आप एकदम सेफ तरीके से इसके अंदर एंट्री एज वेल एज एग्जिट करना चाहते हो। तो अगर आप थोड़े बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप थोड़े बहुत मोमेंटम के साथ इंट्राडे की पोजीशन के ये जो हमने हमारे इंडिकेटर दैट इज RSI एज वेल एज MACD तो उसके हिसाब से भी आप डायरेक्शनल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट आपको बताना चाहिए MACD का अभी तक हमें कोई यहाँ पर सिग्नल नहीं मिला दैट इज बाय करने का या फिर शॉर्ट पोजीशन कवर करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल्स भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन मोड के अंदर ही करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है और RSI का भी जो मोमेंटम है वो एक ओवरसोल्ड जोन में जरूर ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है कि और अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको अपसाइड डायरेक्शन में बनते हुए देखने को मिल सकता है। सो आपका जो पूरा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन होगा वो पूरा मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा कि MACD का क्या डायरेक्शन है, उसके बाद आपको RSI का मोमेंटम देखना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूशन करना है। और यहाँ पर अगर आप शॉर्ट पोजीशन कमाना चाहते हो तो मेरा 726 का अगर लेवल डाउन साइड पे तोड़ते तो शॉर्ट पोजीशन करनी है, टारगेट आपका रहेगा नियरली 724 के आसपास। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो डेट 732 का तो 732 का जो तीसरी लेवल तो 733.8 तक का टारगेट एज वेल एज आप अपने प्रॉफिट को ट्रेड कर सकते हो 735 के नियर बाय तक के लिए। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।